सुनेत्र गांव में इन दो बच्चों के साथ खड़े हैं, आशा देवी जो पांचवी क्लास में पढ़ती है और वरुण डोगरा जो चौथी जमात में पढ़ता है। और इन्होंने आज चुना हुआ है जंगली साग, जिसको डोगरी जुबान में कहते हैं इंदू। तो ये आप देख ही रहे हैं, आप इसको सोचेंगे शायद धनिया होगा, तो धनिया तो नहीं है ये, लेकिन धनिया ही उसी परिवार का ये दूसरा जंगली एक जड़ी बूटी है जो हमारे गेहूं के खेतों में उगती है, और इंदू नाम से इसको लोग जानते हैं। और मार्च अप्रैल के टाइम में बैसाखी से पहले पहले इसकी जो सब्जी भी बनाई जाती है, और आप इसको देखेंगे अगर गौर से तो इसमें सुइयां जैसी हैं, तो ये जो सुइयां 5-6 का गुच्छा है, तो ये एक इसकी खास पहचान है कि इसका जो धनिया होता है, धनिया का गोल गोल फल होता है, लेकिन इसके केस में आप देख रहे हैं सुई नुमा इसका फल है, और इसमें भी धनिया की तरह ही सफ़ेद फूल आते हैं। तो जो जंगली साग सब्जी है उसको खाने का चलन हमारे डोगरा प्रदेश में बहुत है, और ऐसी जड़ी बूटी इसकी शिनाख्त भी सही होनी चाहिए, और ये एक बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के से पहले जो ट्रेडिशनल नॉलेज है लोगों का, उसको हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये एक अभियान है जिसके तहत हम लोगों के पास जाते हैं और लोगों से किसी जंगली साग सब्जी को इकट्ठा करवाते हैं और उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि किस तरह से इन जड़ी बूटी सब्जी बनाने के तरीका क्या है। हर चीज़ को हम ऐसे नहीं बना सकते, जैसे ये बता रहे हैं कि इस इंदू साग को बनाने के लिए पहले बॉयल करना चाहिए, और बॉयल करने के बाद जो पहला पानी है उसको छोड़ देना है, उसके बाद आप इसको तड़क सकते हैं और एक बहुत ही डिलीशियस लाजवाब सब्जी जो है आपको मिलेगी इंदू साग की। तो अंग्रेज़ों ने इसको भी पहचाना, और हमारे वनस्पति शास्त्र में भी इसका नाम है स्कैंडिक्स पेक्टन वेनरिस, इसको बॉटनी में कहते हैं। शुक्रिया।